अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के गलों पर पाइपिंग लगाना और बटन टेक लगाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये फ्रॉक की कटिंग कर ली है। ये मैं 3 से 4 माह की बच्ची के लिए फ्रॉक तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट और बैक को उल्टा कर लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये जोड़ नज़र आ रहा है। मैंने बचे हुए पीसों से ये फ्रॉक तैयार करना है। ये देखें, इस तरह सेंटर से सिलाई लगाते हुए यहाँ हमने चाक बनाया है और ये हिस्सा ओपन रखा है। अब हम इस सिलाई के ऊपर इंची टेप को रखते हुए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। लेंथ के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम स्केल की हेल्प से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। बैक के गले की चौड़ाई के लिए भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी गहराई के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम राउंड शेप देंगे। बटन टैग के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम कटिंग करेंगे। ऐसे ही हम बैक के गले की कटिंग करेंगे और यहाँ से इस तरह सीधा कट लगाएंगे। यहाँ से हम हल्का सा कट लगाएंगे। ये कट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पर बटन टेक लगाएंगे। इसके लिए हमने ये स्ट्रिप की कटिंग की है। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है, ये देखें। और ये स्ट्रिप सीधी है, उरेब में नहीं है। हम इस स्ट्रिप को नीचे की तरफ रखेंगे। ये कपड़े की सीधी साइड है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम कपड़ा थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ चुन्नट नहीं आनी चाहिए। ये देखें, अब हम यहाँ सेंटर से हल्के हल्के कट लगाएंगे। यहाँ से आप स्ट्रिप को प्रेस कर लें या नेल की मदद से इसे सीधा कर लें। यहाँ से इस तरह फोल्ड करते हुए इस सिलाई के ऊपर रखेंगे और यहाँ हम एक और सिलाई लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप की कटिंग करते हुए हम इसे बराबर कर लेंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब हम इस स्ट्रिप को इस तरह सीधा रखेंगे और इस साइड वाली स्ट्रिप को हम इस तरह मोड़ेंगे। ये देखें इस तरह, और यहाँ तुरपाई करेंगे। ये देखें, बराबर टांका उठाते हुए हमने ये तुरपाई करनी है। यहाँ सेंटर में आकर हम इसे गिरह लगाते हुए तुरपाई को पक्का कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से बच्चे का जिस्म भी नज़र नहीं आता और बटन टेक लगी खूबसूरत भी लगती है। ये देखें, इसकी लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये एक तरफ हमने बढ़ा के पट्टी लगाई है, इस तरफ से ये बढ़ी हुई है। अब हम इसे खोलेंगे और फ्रंट को इसके ऊपर रखते हुए हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये शोल्डर की सिलाई हमने लगा ली है। ये उरेब की स्ट्रिप की कटिंग और इसका जोड़ लगाने का तरीके की वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये स्ट्रिप की भी सीधी साइड है और ये फ्रॉक की भी सीधी साइड है। पहले हम यहाँ से इसे बराबर करेंगे और यहाँ रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये उरेब की स्ट्रिप को और फ्रॉक को नहीं खींचना, ये गले की जैसे गुलाई है उसी हिसाब से ये पाइपिंग लगाते हुए आना है, इससे गला टेढ़ा नहीं होगा। यहाँ से शोल्डर वाली सिलाई को इस तरह खोल लेंगे। एक्स्ट्रा स्ट्रिप की हम कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कितने गैप से हमने सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ हल्के हाथों से कट लगाएंगे। ये कट सिलाई से टच नहीं होने चाहिए।
अब हम इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखें ऐसे ही बराबर फोल्ड करते हुए ये पाइपिंग लगानी है। अक्सर बच्चों के रेडीमेड कपड़ों पर इस तरह की पाइपिंग लगी होती है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब लेडीज़ गलों पर भी इस तरह की पाइपिंग लग रही है। ये सुई को अंदर ठहराते हुए सिलाई को रोकना है। यहाँ एंड से भी हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये पाइपिंग लग चुकी है बहुत ही नीटनेस के साथ। ये देखें गलों पर इस तरह की पाइपिंग लगी हुई बहुत ही यूनिक लगती है। अब हम यहाँ टिच बटन लगाएंगे। ये टिच बटन लगाने के लिए हमने ये 4 लेयर धागे की ली हैं। अब ये दूसरी साइड से इस तरह हम लगाएंगे। ये सिलाई बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए। अब हम यहाँ से गिरा लगाते हुए इसे पक्का कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये फ्रंट पर भी हमने बटन लगा लिए हैं। यहाँ से ओपन है और ये पाइपिंग भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये बैक की बटन टेक भी लगा ली है। ये देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।